पड़ोसी देश नेपाल एक बेहद ही खूबसूरत प्लेस है। वैसे तो नेपाल में घूमने लायक बहुत से प्लेसेस हैं, लेकिन वहाँ के खूबसूरती से भरे हिल स्टेशन आपका मन मोह लेंगे। तो चलिए हम आपको नेपाल के कुछ ऐसे हिल स्टेशनों के बारे में बताते हैं जहाँ आपको छुट्टियों में जरूर जाना चाहिए। तो पहला हिल स्टेशन है चितलांग। चितलांग हिल स्टेशन एक बेहद ही खूबसूरत लैंडस्केप को दिखाता है। यहाँ पर टूरिस्ट दूर दूर से सनसेट और सनराइज देखने के लिए आते हैं। दूसरा हिल स्टेशन है दमन हिल। दमन हिल की खासियत उसका एवरेस्ट पैनोरमा रिजॉर्ट है। यहाँ सर्दियों में पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं, और अगर आप दमन हिल की खूबसूरती को एंजॉय करने आ रहे हैं तो आप यहाँ अपने दिन की शुरुआत दमन हिल में स्थित भगवान शिव के खूबसूरत मंदिर से कर सकते हैं। तीसरा हिल स्टेशन है इलाम। नेपाल में मौजूद इलाम भी टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाली एक खास जगह है, जहाँ पर आपको खूबसूरत बगीचे, टी फार्म्स और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर देखने को मिलेंगे। चौथा हिल स्टेशन है नगरकोट। नगरकोट हिल स्टेशन में आप बहुत ही मजेदार मौसम और बर्फ से ढके पहाड़ों का मजा ले सकते हैं। ये जगह सनराइज के लिए एक परफेक्ट पॉइंट है, और साथ ही साथ नगरकोट हिल स्टेशन टूरिस्ट की पसंदीदा जगह मानी जाती है। पांचवा हिल स्टेशन है बांदीपुर हिल। इस हिल स्टेशन पर आप कई तरह के मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप यहाँ लंबी और गहरी गुफाओं का मजा भी ले सकते हैं। छठा हिल स्टेशन है पोखरा। यहाँ आपको पोखरा शहर में स्थित चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ों से घिरी फेवा लेक का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत 8 तरह की लेक और भी देखने को मिलेगी। पोखरा शहर को इन झीलों के लिए खास जाना जाता है। सातवां हिल स्टेशन है कोन हिल। नेपाल का यह व्यू पॉइंट देखने लायक है। ये ट्रैकिंग डेस्टिनेशन नेपाल के अन्नपूर्णा में मौजूद है, जो कि बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। सो गाइस, अगर आप भी गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो नेपाल की खूबसूरत जगहों पर एक बार जरूर जाएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर योर टाइम।